है आपकी तरफ से होने वाली, और थोड़ा सा बताइए, काफ़ी सस्पेंस रखा गया अभी तक। एक्चुअली ये सब बहुत जल्दी जल्दी सब प्लान हुआ है, तो मेरे लिए सस्पेंस से ज़्यादा सरप्राइज था ये। बट आई एम एक्साइटेड बिकॉज गाने आजकल चल रहे हैं ट्रेंड में, और लाइक गाने समथिंग, सॉन्ग्स आर समथिंग फॉर मी विच कीप्स मी कनेक्टेड। मैं किसी भी वक्त कोई भी टाइप का गाना सुन सकती हूँ, और गानों से मेरा पूरा मूड बदल जाता है। इवन गाने एक्टिंग में बहुत यूज़ होते हैं, एज एन एक्टर इफ़ आई टॉक देन एक गाना सुन के आपका पूरा मूड चेंज हो सकता है। तो सॉन्ग्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड आई एम ग्लैड बींग अ पार्ट ऑफ सच अ नाइस सॉन्ग, सच अ डीप एंड अ वेरी, इट्स अ डिफरेंट सॉन्ग। सी गाने का नाम अभी तक मैं जानती भी नहीं हूँ, और मैं अगर जानती हूँ तो भी मैं रिवील नहीं करना चाहूँगी। बट मैंने गाने का स्क्रैच सुना है, एंड स्क्रैच सुन के ही मुझे गाना बहुत अच्छा लगा। यू नो, एक गाने में म्यूज़िक के बाद आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो उसके लिरिक्स होते हैं, बिकॉज लिरिक्स से आप कनेक्ट कर पाते हो, लिरिक्स से आप अपने लाइक यू नो, या तो आप रिलेट कर पाते हो लिरिक्स से, तब आपको गाने बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। समहाउ मुझे, मैं गानों की लिरिक्स से कनेक्ट कर पाई हूँ, सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस दैट आई रियली लाइक्ड द सॉन्ग। एंड स्क्रैच सुन लिया है, कल रिकॉर्डिंग हुई है, बस रिकॉर्डिंग, फाइनल रिकॉर्डिंग सुनना बाकी है। बैंगलोर से उभरते मॉडल आयान खान अभी सामने आ रहा है, बॉलीवुड में ऑलरेडी काफ़ी कुछ करना चाहते हैं और बैंगलोर में काफ़ी मॉडलिंग नाम कमा चुके हैं, तो कैसा फील करें उस साथ में मिलाने? सी इट वुड बी वेरी नाइस, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट जो लोग लाइक यू नो, एक इंसान को भूख होनी चाहिए काम की। जैसे जब मैंने शुरुआत की थी तब मुझे काम की भूख थी, आई वॉज लाइक यू नो, मैं काम करना चाहती थी, मेरे अंदर थी वो भूख, मेरे अंदर थी वो आग। तो वैसे ही अगर पैशन किसी और में देखती हूँ तो देख के काफ़ी अच्छा लगता है, एंड ऐसी सेम बातें मैंने अयान के बारे में भी सुनी है। मिली नहीं हूँ अभी तक उनसे, पर आज मिलने वाली हूँ, तो सुन के तो पता चला है कि ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम, बिकॉज आई रियली लाइक मीटिंग सच पैशनेट पीपल, बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु आर रियली पैशनेट अबाउट माई वर्क, सो आई वुड लाइक टू मीट समवन लाइक दैट। आई एम मेकिंग इट वेरी ऑब्वियस दैट इट्स क्रिसमस, बिकॉज आई एम वेयरिंग फुल रेड, आई एम इन टू ऑल द क्रिसमस वाइब्स, एंड कुछ नहीं, मेरे सारे दोस्त दोस्तों से मुलाकात होगी, एक छोटी सी हाउस पार्टी है, एज यू ऑल नो दैट मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स है, अवनीत, आफ्ताब भाई एंड एवरीवन, सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द पार्टी एज वेल, आफ्टर दिस इवेंट आई एम गोना बी अटेंडिंग द पार्टी, तो मज़ा आएगा। क्रिसमस की मेमोरीज अगर बात की जाए तो मुझे क्रिसमस के नाम से ही माउंट मैरी चर्च की याद आती है, बचपन से मेरी वहीं की मेमोरीज रही है, ऑलमोस्ट हर क्रिसमस पे जाने की कोशिश करती हूँ मैं, एंड माउंट मैरी इज़ समथिंग दैट आई फाइंड इट वेरी पीसफुल टू गो देयर एंड जस्ट लाइट द कैंडल एंड सिट देयर, सो या आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू माउंट मैरी वेन एवर पॉसिबल। न्यू ईयर आने वाला है, क्या रेजोल्यूशन बनाया आपने? और रेजोल्यूशन देखिए, आई बिलीव दैट सिर्फ न्यू ईयर्स पे नहीं बनाने चाहिए, लाइक ये आई थिंक इसको हाइप कर दिया गया है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी मोड पे आके रियलाइज़ करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या आपको ऐसा करना चाहिए, तो आप अपना रेजोल्यूशन तभी से बना सकते हैं, किसी को न्यू ईयर तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं शायद अभी यहाँ पे खड़े खड़े कुछ रियलाइज़ कर लूँ और अभी से डिसाइड कर लूँ कि मैं ऐसा करूँगी या ऐसा नहीं करूँगी, सो नथिंग समथिंग दैट आई हैव थॉट ऑफ कि मैं न्यू ईयर के बाद से ऐसा नहीं करूँगी। 2019 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा, 2020 के क्या प्लान्स हैं? अल्लाह का शुक्र है 2019 मेरे लिए बहुत अच्छा साल रहा है, मैंने तुझसे राबता किया, इट्स डूइंग सो वेल, थैंक यू टू ऑल माई लवली फैंस, बिकॉज द शो इज़ डूइंग वेल एंड राबता इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ मी नाउ, कल्याणी हैज़ बिकम वेरी डियर टू मी, कलमा हैज़ बिकम वेरी डियर टू मी, और इतना कुछ सीखने मिला है इस शो से, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती क्या क्या सीखा है। राबता इज़ एक्चुअली, राबता के जितने भी लोग हैं स्पेशली मल्हार एंड लाइक आई मीन सहबान एंड शगुन, वो मेरा असल राबता बन चुके हैं, तो इस शो ने काफ़ी कुछ दिया है, वो इट्स जस्ट बीन अ वंडरफुल ईयर, और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आने वाला साल भी ऐसे अच्छे से जाए, तुझसे राबता ऐसे अच्छे से TRPs आए और इसी तरह आप लोगों को पसंद आते रहे। शो भी कर रही है आप, गाने भी कर रही है जी, प्लान्स टू कम इनटू 70mm स्क्रीन? देखिए प्लानिंग में मैं अभी फ़िलहाल कुछ प्लान नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा सीरियल दिया है, आई डोंट वांट टू जस्ट बी मोर ग्रीडी एंड आस्क हिम दैट मुझे मूवी भी दे दो, जब सही वक्त आएगा, जब ऊपर वाले को लगेगा सही वक्त है, तो इंशाल्लाह मूवी भी मिल जाएगी।
मैम लास्टली अभी आपने बॉलीवुड में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, अभी नया यंग टैलेंट आयान खान के नाम सामने आया है, आयान के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए जब एक इंसान में पैशन होता है, काम की भूख होती है, एक यू नो जुनून होता है करने का, देन यू नो नोबडी इज स्टॉपिंग, देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप हिम, एंड वो जुनून देख के ऊपर वाला भी आपका साथ हमेशा देता है, ये मैंने लाइफ में सीखा है। जब तक आप में वो जुनून है, जब तक आप में वो यकीन है, तब ऊपर वाला भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सो आई वुड जस्ट, अगर एक एडवाइस देने की बात कही जाएगी तो यही दूंगी, दैट नेवर लूज योर पैशन एंड लाइक जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड। उतार चढ़ाव सब ने बहुत देखे हैं, मैंने भी बहुत देखे हैं। सभी को पता है दैट अशोका के बाद से मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक था 2 साल का, जब मैंने कोई शो नहीं किया था, 4, 10, 20 आई रिमेंबर 10 कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए थे लेकिन एक भी शो स्टार्ट नहीं हुआ था। 2 साल तक ये टाइम ऐसा फेज चला था मेरी लाइफ का, बट वी नेवर गेव अप, वी हैड फेथ ऊपर वाले में, और उसके बाद मुझे इतना अच्छा शो मिला। सो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव हिम, विच इज़ अबाउट मी। तो आई थिंक किसी और का एग्जाम्पल देने की अब ज़रूरत नहीं। थैंक यू सो मच। यस एंड ऑल द बेस्ट आयान, एंड प्लीज़ जल्दी आ जाओ, यू शुड नेवर कीप अ गर्ल वेटिंग। थैंक यू।